अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ड्रामा सीरियल एक जहनसीब में अब तक आपने देखा कि समीर गौहर पर चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा मत देना, मुझसे बेवफाई मत करना, और समीर गौहर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की हाथापाई में गोली चलती है। गोली समीर को लग जाती है और यहाँ पर सभिया बेगम चाल चलती है और गौहर को समीर के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा देती है। जैसे ही काश्यप को पता चलता है कि गौहर जेल में है, वो कच्चे धागे में बांधा हुआ आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और यूं एक लंबा केस चलता है जिसमें सभिया बेगम की असलियत खुलकर सामने आ जाती है। समीर का मामू, घर के मुलाजिम और दफ्तर के लोग सारे सभिया बेगम के खिलाफ गवाही देते हैं। सभिया बेगम बहुत हाथ पाँव मारेगी, लेकिन उसकी जालिम शख्सियत की वजह से सब लोग उससे बागी होते हैं और चाहते हैं कि इससे जान छूट जाए। इसलिए जब सारी गवाही सभिया बेगम के खिलाफ हो जाएगी तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर होगा और वो पागल हो जाएगी और गौहर रिहा हो जाएगी और यूं वो दरबार वाला बाबा और खातों की कही हुई बात सच साबित हो जाएगी। गौहर और काशिप दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और मिल जाएंगे, दोनों की शादी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में समीर को मरना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।